हेलो एवरीवन, आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री प्ले के बारे में। हिस्ट्री प्ले जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने BSI एकेडमी इंग्लिश लिटरेचर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो ये वीडियो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो कि UGC नेट एग्ज़ाम, सेट एग्ज़ाम, गेट एग्ज़ाम, PGT, जिसमें KVS, DSSB, EMRS, NVS या फिर स्टेट लेवल के इंग्लिश टीचर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर अपने BA, MA के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो हैं जिन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे वो हैं, व्हाट इज़ हिस्ट्री प्ले इन इंग्लिश लिटरेचर, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री प्ले, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हिस्ट्री प्ले, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिस्ट्री प्ले, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हिस्ट्री प्ले। तो इन क्वेश्चंस पर हम लोग जो हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट इज हिस्ट्री प्ले। तो हिस्ट्री प्ले के डेफिनेशन और मीनिंग को जरा यहाँ पर समझ लेते हैं। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ हिस्ट्री प्ले, अ ड्रामेटिक प्ले बेस्ड ऑन अ हिस्टोरिकल नैरेटिव और हिस्टोरिकल स्टोरी इज नोन एज अ हिस्ट्री प्ले। यानी एक ऐसा ड्रामा या एक ऐसा प्ले जो कि जिसकी स्टोरी जो है या जिसकी नैरेटिव जो है इवेंट ऐसे इवेंट्स पर बेस्ड है जो कि हिस्ट्री में कभी हुए होंगे या हुए थे, तो उनको हम लोग जो हैं हिस्ट्री प्ले का नाम देते हैं। और हिस्ट्री प्ले के जनरली जो ये ड्रामा है जिनको सेट किया जाता है उसका जो टाइमलाइन है वो मिडविल पीरियड्स हो सकता है या फिर अर्ली मॉडर्न पास्ट हो सकता है। अब कोई टाइमलाइन जो है इसको तो हम लोग कह नहीं सकते कि एक ऐसा हिस्ट्री प्ले जो है उसका जो टाइमलाइन क्या होगा, तो ये कहीं डिफाइन नहीं है। बट फिर भी कोई ऐसा इवेंट जो कि कभी पास्ट में हुआ होगा उसको हम लोग जो या इवन हुआ हुए थे उनको हम लोग जो हैं हिस्ट्री प्ले के अंदर रखते हैं। अब हिस्ट्री प्ले को हम लोग जो है क्रॉनिकल प्ले के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा क्रॉनिकल प्ले इसका एक और नाम है। और जो इवेंट ये जो इवेंट जो हैं जो कि हम लोग हिस्ट्री प्ले में दर्शाते हैं उनको हम लोग जो हैं वो जो इंस्पायर होते हैं आयदरी पार्शली और फुली जो हैं ऐसे इवेंट्स पर इंस्पायर होते हैं जो कभी पास्ट में हुए थे। अब देखिए ये जो इवेंट हैं ये रियल बेस्ड भी हो सकते हैं और बहुत सारे इवेंट ऐसे भी हैं जो कि फिक्शनली उनको क्रिएट किया जाता है ड्रामेटिस्ट के द्वारा। तो ऐसे इवेंट को हम लोग जो हैं और ऐसे ड्रामा को हम लोग जो हैं जो कि ऐसे इवेंट्स होते हैं वो फुली और पार्शली ड्रॉ किए जाते हैं जो पहले कभी हुए होंगे। अब यहाँ पर जो थीम है डेफिनेटली वो जो है वो हिस्ट्री बेस्ड होते ही हैं, बट उनमें जो एपिसोड्स या देखिए एपिसोड्स प्रेजेंट किए गए हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग उनको प्रेजेंट करते हैं, अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो जो एक खास तौर से जो कनेक्टेड एपिसोड्स हैं इसका मतलब क्या है। देखिए जैसे ड्रामा के अंदर एक्ट होते हैं ना, एक्ट होता है तो एक एक्ट आया फिर दूसरा एक्ट आया है ना, तो ये जो सारे के सारे एपिसोड्स होते हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। और ऐसे थीम जो होते हैं हमारे हिस्ट्री बेस्ड जो है इंस्पायर होते हैं। तो आई थिंक आपको ये डेफिनेशन जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। बट इसमें एक ध्यान रखिएगा जो इवेंट हैं ये हो सकता है वो इवेंट जो है वो रियल बेस्ड हो या फिर फिक्शनल बेस्ड हो, तो ये डिपेंड करता है कि कैसे हम लोग जो है उस ऑथर ने कैसे अपनी इमेजिनेशन से उन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री प्ले, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री प्ले, क्या इसका हिस्ट्री प्ले का ओरिजिन है, जरा इसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोग हिस्ट्री प्ले के ओरिजिन की बात करें तो ये जो हिस्ट्री प्ले थे वो काफ़ी पॉपुलर थे 16th सेंचुरी में, खास तौर से 1580 से लेकर 1630 में है ना। और ये जो समय है कहाँ का है, ये इंग्लैंड का समय है। तो इंग्लैंड के समय में यानी उस समय 16th सेंचुरी में इस तरह के हिस्ट्री प्ले जो थे क्वाइट पॉपुलर थे। और इन्हीं पॉपुलरिटी की वजह से ये जो हिस्ट्री प्ले थे ये अलग तरह के जॉनरा में प्रोड्यूस हुए, निकल कर आए किसमें से, ट्रेजेडी के अंदर से। अब देखिए ट्रेजेडी जो ड्रामा है उनके ऊपर मैंने एक सेपरेट लेक्चर बना रखा है, आप जाके उसको देख लीजिएगा, लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो रेनेसा इंग्लैंड के अंदर हिस्ट्री जो है एक अपने आप में अलग रूप में एक डिस्टिंक्ट जॉनरा के रूप में प्रोड्यूस हुई फ्रॉम द ट्रेजेडी। अब
उस समय जो थे ना लोग जो थे वो काफी फैसिनेटेड होते थे हिस्टोरिकल ड्रामा को देखते हो, क्योंकि उनको हिस्टोरिकल ड्रामा को जब देखते थे तो उनको पता चलता था कि वाकई में ऐसे ऐसे इवेंट भी हुए थे पास्ट में। अब देखिए उस समय कोई हमारे पास कोई देखा जाए तो उस समय के जो लोग हैं उस समय कोई हमारे पास टीवी टेलीविजन या इंटरनेट तो था नहीं जिसको दर्शाया जाए, बट फिर भी उन्होंने काफी हद तक अपनी बुक्स के अंदर जो है उस समय के पास के इवेंट्स के बारे में काफी चीजें मेंशन की है, जिसको इवन आज भी जो है लोग जो है उन इवेंट से इंस्पायर होकर बहुत सारी अपने वेब सीरीज क्रिएट करते हैं, तो उसका जो रूप है हमें देखने को मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए जैसे जूलियस सीजर, रिचार्ड सेकेंड, एडवर्ड वन, हेनरी फिफ्थ, जो कि एलिजाबेथन पीरियड्स में हिस्टोरिकल प्ले के अंदर बहुत सारे पॉपुलर ये थीम थे, है ना। तो एलिजाबेथन पीरियड जो हिस्टोरिकल प्ले है उनके बारे में मैं डेफिनेटली आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा। तो इसके अंदर काफ़ी सारे थीम बेस्ड जो थे इन जूलियस सीजर के ऊपर, रिचार्ड सेकेंड के ऊपर, एडवर्ड फर्स्ट के ऊपर और हेनरी फिफ्थ के ऊपर इंस्पायर होके बनाए गए थे। इसके अलावा अर्ली क्रॉनिकल प्ले जो थे उनको सीरीज के अंदर हिस्टोरिकल इवेंट्स को एक एक करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको प्रेजेंट किया गया। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी हिस्ट्री प्ले थे जो कि किसी फेमस बैटल के ऊपर थे, जैसे नेपोलियन बैटल और आपका बहुत सारे ऐसे बैटल हैं। इवन अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखें तो जो भारत का जो पहला एक तरह से बोला जाए 1857 का जो जैसे इंग्लैंड वाले लोग जो हैं म्यूटिनिटी कहते हैं, तो वो जो है इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो बहुत क्वाइट पॉपुलर हैं हिस्ट्री प्ले के अंदर। अब बात आती है कि हिस्ट्री प्ले का पर्पस क्या था, पर्पस ऑफ हिस्ट्री प्ले, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ हिस्ट्री प्ले। ओके, जरा इनको भी देखते हैं। तो हिस्ट्री प्ले का जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है लोगों के बीच में नेशनलिस्टिक फीलिंग को प्रोड्यूस करना, यानी राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकीकरण के अंदर इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं वो काफ़ी लोगों को इंस्पायर करती हैं कि हमारे देश के अंदर हमारी जो पास्ट ग्लोरी है उनको हम लोग दूसरे लोगों के अपने लोगों के सामने लेके आ सकें, और लोगों के सामने एक ऐसा लेसन, ऐसे टीचिंग सोसाइटी के सामने प्रेजेंट कर सकें जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बताया पास्ट ग्लोरी को प्रेजेंट करना, साथ में लोगों के बीच में, यंग यूथ के बीच में अवेयरनेस प्रोड्यूस करना कि भाई वाकई में हमारा जो देश है वो क्यों इतना महान है ना। इस तरह की इवेंट्स को लोगों को यूथ के अंदर और ख़ास तौर से जो सेना सेना के अंदर जो भर्ती होते हैं ना उनके सामने इस तरह के इवेंट्स को, ऐसे हिस्ट्री प्ले को बनाया जाता है। अब इनका कुछ मतलब कुछ पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है भाई, अब हमें तो पता नहीं है कि इस तरह के इवेंट वाकई में कभी हुए थे, है ना, पर फिर भी जो है कुछ अपने बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि अपने पॉलिटिकल एजेंडा को फुलफिल करने के लिए इस तरह के हिस्ट्री प्ले को बनाती हैं, क्रिएट करती हैं। स्टूडेंट्स बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर के कोर्सेज हैं जो कि BSI एकेडमी द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं, जिसमें UGC नेट कोर्स, सेट एग्जाम कोर्स, TGT, PGT, KVS, DSSB, AMRS, NVS के कोर्सेज, असिस्टेंट प्रोफेसर के और आपके PhD एंट्रेंस एग्जाम के कोर्सेज हैं जो कि हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज के बारे में पूछने के लिए आप हमारी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। और अगर अभी तक आपने BSI एकेडमी इंग्लिश लिटरेचर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है हिस्ट्री प्ले के, जरा उनको भी देख लेते हैं। तो जो हिस्ट्री प्ले जो जनरली क्या होता है कि हिस्ट्री प्ले का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ऐसी सिचुएशन से डील करना जो कि मतलब सिचुएशन है, एम्बिग्यूटी है या फिर इररिलेवेंसी है। देखो हमें क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक है हिस्ट्री प्ले के, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उस समय के इवेंट ये हुए थे, बट फिर भी जो है कुछ ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस करना, ऐसी एम्बिग्यूटी प्रोड्यूस करना जिसको देखते हुए इररिलेवेंसी तो लगे लगे, बट साथ में उनके जो इवेंट हैं जो पहले कभी हुए थे तो उन इवेंट्स को उस समय जो हमारे जो कैरेक्टर उस प्ले को परफॉर्म कर रहे हैं उस परफॉर्मेंस को हम लोग जो हैं उन इवेंट से जोड़ सकें। तो जो ये जो हिस्ट्री प्ले है इट जनरली अ फ्यूजन बिटवीन द इवेंट एंड द कैरेक्टर, है ना। तो उन इवेंट को, देखो इवेंट क्या हो गए, एक तरह की कंडीशंस हो गई, उन कंडीशंस को अपने कैरेक्टर जो है जब एक तरह से परफॉर्म करके आते हैं स्टेज पर, तब हमें लगता है कि वाकई में जो हिस्ट्री प्ले जो है वो किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। और खास तौर से ये जो पूरा का पूरा जो कैरेक्टरिस्टिक है हिस्ट्री प्ले का वो डिपेंड करता है कि कैरेक्टर कैसे जो है उस तरह के
ड्रामेटिक इफेक्ट को आपस में, यानी उनका एक्शन एक्शन जो है, कैसे उन कैरेक्टर्स का आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंसी होते हुए जो है ना लोगों के सामने लिया जाता है, यही जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है आपके हिस्ट्री प्ले का। देन नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल्स ऑफ हिस्ट्री प्ले, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि हिस्ट्री प्ले के से रिलेटेड हैं, उनको भी जरा मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूँ, जिसमें फेमस हैं एडवर्ड सेकंड बाय द क्रिस्टोफर मार्लो, इसको क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था एडवर्ड सेकंड नाम का हिस्ट्री प्ले को। देन हेनरी सिक्स जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री प्ले है। देन द क्रूसिबल जो कि 1953 में लिखा गया था बाय द आर्थर मिलर, ये जो है बहुत फेमस अमेरिकन ड्रामेटिस्ट रहे हैं अपने समय के। और अ फैन फॉर ऑल सीजन जो कि 1962 में लिखा गया था बाय द रॉबर्ट्स बॉयल। तो ये कुछ जो हैं आपके हिस्ट्री प्ले से रिलेटेड जो हैं आपके ड्रामा थे, इनका जिनको मैंने आपके सामने मेंशन किया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने BSI एकेडमी इंग्लिश लिटरेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए, सवाल के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारे कोर्सेज के लिए भी हमें जो है आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।